धाकड़ खबर बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अक्रम रईस खान। उत्तर प्रदेश के रामपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी की महिला विधायक हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए दो गनर यानी कि दो पुलिस वाले तैनात कर रखे हैं। वो पहुंच गए थाने, उन्होंने कहा साहब विधायक का जो पति है वो हमें जीने नहीं देता, कभी यहाँ ले जाता है कभी वहाँ ले जाता है। लगाया गया हमें विधायक की सिक्योरिटी के लिए है, लेकिन लगा ऐसा रहा है कि उसके पति की हमें सिक्योरिटी करनी पड़ रही है। बगैर इजाज़त के दूसरे जिले में ले जाता है, हमारे से कहता गेट खोलो गेट बंद करो पानी लाओ ये करो वो करो। यही नहीं, विधायक का जो पियारो है उसने तो तोड़ दी हमारी बाइक, यानी कि विधायक के पियारो पर इन्होंने अपनी बाइक तोड़ने का आरोप लगाया। पूरे मामले को लेकर थाने में तहरीर दी है। इस मामले में अभी हमारे पास विधायक का पक्ष नहीं है, तो इसलिए हम उधर की कहानी बता नहीं सकते, लेकिन जो ये पुलिस वाले बता रहे हैं वो कहानी आपके सामने जरूर रखेंगे। जी रामपुर जानो ना जी, कौन सा रामपुर है? आजम खान वाला रामपुर है। यो आजम खान जो हैं रामपुर से गिरफ्तार करके सीतापुर की जेल में रखे गए, समझ रहे हैं ना? रामपुर से गिरफ्तार करके सीतापुर की जेल में, रामपुर की जेल में नहीं रखा उनको, राम सीता ये समझ लेना। जिस दिन समझ जाओगे सारी कहानी समझ जाएगी उत्तर प्रदेश के सरकार की, क्या आखिर वो कर क्या रही है आजम खान के खिलाफ। तो यहाँ की एक मिलक सीट है जी, मिलक सीट से एक महिला विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी की महिला विधायक है राजबाला देवी। कुछ दिन पहले मैंने आपके सामने इनकी एक खबर रखी थी, इन्होंने कहा कि हमारी कार्रवाई नहीं हो रही है, हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है, हम इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। पत्रकारों ने पूछ लिया अपनी सरकार के खिलाफ करो, नहीं नहीं सरकार के खिलाफ नहीं, अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अरे अधिकारी क्या बांग्लादेश से आ गया क्या, पाकिस्तान से आ गया क्या? अधिकारी भी तो आप ही की सरकार का है, और चार साल पूरे होने के बाद अगर आप ये प्रदर्शन की बात कर रही हैं तो इससे समझा जा सकता है कि आपको डर है अपनी ज़मीन खिसकने का, क्योंकि मंत्री तो बनाया नहीं गया है हर किसी को। तो विधायक जो हैं वो भी काम करवाने के लिए अधिकारियों के चक्कर काटते रहते हैं। खैर उस कहानी को इनकी छोड़ देते हैं, अगर वो कहानी आप इनकी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगवा देते हैं भैया, आई बटन पर लिंक लगवा देते हैं, उस पर क्लिक करोगे वो पुराना वीडियो खुल जाएगा, उसे देख लेना। वर्तमान कहानी आपको बताते हैं। इनके जो पति हैं उनका नाम है दिलीप सिंह, ठीक है जी। अब इनकी सिक्योरिटी में जो दो पुलिस वाले तैनात कर रखे हैं उनमें से पीड़ित हो गए, पुलिस वाले तो पीड़ित ही हो गए ना, पत्रकारों की ज़बान में जो आदमी ऐसा होता है शिकायत दे रहा हो कहीं कुछ कर रहा हो वो होता है पीड़ित। तो पीड़ित सिपाहियों का नाम सबसे पहले जान लीजिए, महेश कुमार अक्षय कुमार है इनका आरोप है। आप तस्वीरों में देख भी रहे होंगे कि साहब हमारी गाड़ी को तोड़ दिया गया, यानी कि गाड़ी बोलते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में बाइक को भी। अरे गाड़ी लेके कहाँ जा रहा, गाड़ी वैसे कार को बोला जाता है या बड़ी बस को बोला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में ना बाइक को भी गाड़ी बोल रहे हैं। तो ठीक है जी, तो वो जो है तोड़ दिया है पीआरओ ने, और जो पति हैं वो इन पे अत्याचार कर रहे हैं, कैसे कैसे इनको परेशान कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं महेश कुमार। कि गनर हो तो राजवाला के साथ ड्यूटी करते हो नहीं करते हो? वो राजवाला साहब उनके साथ तो जाने नहीं देते, वो दिलीप उनका पति है उनके साथ तो हमें जाने नहीं देते, कल नहीं दे दे, कल गए कि हमें बुला के नहीं देते। तो फिर ड्यूटी किसके साथ रहती है आपकी? ड्यूटी हमारे हमारे उधर ही रहती है, पर वो जाने नहीं देते हमें उनके साथ, उनका जो पति है दिलीप कुमार। तो किसके साथ ड्यूटी? वही संभाल रहे हैं उनकी। तो आप किसके साथ रहते हो? मैं तो भेजा था उनके गनर राजवाला सिंह के बुलाए, ठीक है उनके साथ ही भेजा था, अब बुला के ले जाते हैं वो। कहाँ कहाँ गए हो आप? मैं दो तीन बार मंदिर गया हूँ उनके साथ और मुरादाबाद वगैरह गया। तो आप मुरादाबाद कैसे चले गए, अपने अधिकारियों को बताया आपने? नहीं मुरादाबाद वो जब बोलते हैं उनका मानना पड़ता है। मानना पड़ता कहना, कोई गलत काम भी करवाते हैं क्या आपसे? गलत काम तो कुछ नहीं, पर ये है अपना पर्सनल गेट खोलो, ये हमारे लिए रहने वहने की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे कुछ, लेकिन रोड था उसमें दे रखा है बेड बिछाने के लिए, हमारे बिस्तर भी हटवा दिए कि अपना पर्सनल लेके आओ, लेटरिन का भी ताला बंद कर दिया कि अपना जाओ बाहर जाओ सब, मतलब रहने की कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पर। तो अभी तुम्हारे साथ क्या किया है उन्होंने? सुन लिया आपने महेश कुमार को, महेश कुमार ने सिविल लाइन थाने के अंदर एक तहरीर दी है, बाकायदा अपने साथी अक्षय कुमार के साथ पहुंचकर गंभीर आरोप बीजेपी के विधायक जो है महिला विधायक उनके पति और पीआरओ पर लगाए हैं। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, वहाँ तो पुलिस वाले जो है जेई के समर्थन में खड़े नहीं हो पाए, मेरठ की बात कर रहा हूँ ना, वहाँ पे सरधना के विधायक जो बीजेपी के विधायक हैं संगीत सोम, उनके प्रतिनिधि शेखर ने मारा है जेई को,
वहाँ तो कुछ कर नहीं पाए जेई के लिए। चलो भाई जेई पिटा, हमारा कौन सा कर्मचारी पिटा, पर यहाँ तो आप ही के जो दो पुलिस वाले हैं वही गंभीर आरोप लगा रहे हैं विधायक पे, तो क्या कम से कम अपने पुलिस वालों के साथ खड़े हो पाएंगे? वैसे इतनी भली नहीं है उत्तर प्रदेश पुलिस। इन्हीं के सामने इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की बुलंदशहर में हत्या कर दी गई और ये पुलिस वाले अपनी नपुंसकता वहाँ पे दिखाते रहे, उन बदमाशों को मौके से पकड़ भी नहीं पाए थे, और बाद में जब पकड़ा भी आज तक हथियार बरामद नहीं कर पाए और वो लोग जमानत पे छूट के आए और जय श्रीराम और जय हनुमान के नारे लगाते हुए उनका स्वागत किया गया। यहाँ आपने ध्यान दिया होगा, महेश कुमार ने बताया कि उनके पास रहने की भी कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है विधायक ने, जबकि उनकी ड्यूटी विधायक में के पास है और विधायक की जगह उनके पति उनको अपने साथ ले जाते हैं। कई तरह के वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्या इस मामले में कोई जांच की जाएगी, हमारे पास किसी आला अधिकारी का बयान भी नहीं है, होता तो वो भी आपके सामने लगाने की कोशिश कर दे, लेकिन लग यही रहा है कि पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। मीडिया वालों के पास खबर आ जाती है तो हम भी आपके सामने रख देते हैं, देखने में मजा तो आई जा, कुछ हो के ना हो। बने रही है धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।